हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सोया सॉस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्लेम पे हमने पैन रख दिया है। अब इसमें हम आधा कप शुगर डाल देंगे। इस शुगर को हमें पिघलने तक अच्छे से पका लेना है और इसे मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हो शुगर हमारा पिघल चुका है और इसका रंग भी बदल चुका है। अब इसे हम और पकाएंगे ताकि इसका कलर और भी चेंज हो जाए। आप देख सकते हो अभी ये चॉकलेट कलर का बन गया है। इसे हम और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये काले कलर का हो जाए। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसे हम और पकाएंगे ताकि ये और डार्क बन जाए। आप देख सकते हो ये बहुत ही डार्क कलर का हो चुका है और बहुत ही गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है हमें। उबाल आने तक अब इसे हम पकने देंगे। उबाल आ चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच चाइनीज नमक डाल देंगे, जिसे अजीनोमोटो कहा जाता है। एक चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून विनेगर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम और थोड़ा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देंगे। आप देख सकते हो सोया सॉस हमारा बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। I
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।